हेलो दोस्तों, मैं नबी करीम। स्वागत है आपका इट्स टेक में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज हम कैमरा के फीचर्स आपको बताएंगे रियलमी C25S स्मार्टफोन के। यह रियलमी C25S लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इसी के कैमरा की फीचर्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग्स बताऊंगा, आप देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर इसी C25S स्मार्टफोन के बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरे पास रियलमी C25 लेटेस्ट स्मार्टफोन। ये रहा 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट ये है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही यहाँ पर इस चैनल पर कैमरा के फीचर्स लेटेस्ट स्मार्टफोन के और चार्जिंग टेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना टेस्ट के ओपन करते हैं कैमरा ऐप को। कैमरा ऐप को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों नाइट मोड। ये नाइट मोड में आप कर सकते हैं कम से कम 10x जूम करके यहाँ पर नाइट मोड में फोटोज क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और फीचर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आपको हमें मिलते हैं। ये रहे नाइट मोड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कलर इसका कैसे हो रहा है। इस तरह से अपने फेस का भी कलर चेंज हो जाएगा, जो आपको कलर अच्छा लगता है वो, जो आपको फिल्टर अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा ओरिजिनल। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप जो फोटो क्लिक करें उसका साइज़ कैसा आना चाहिए, फुल आना चाहिए तो फुल, और यहाँ पर 4.3 में आना चाहिए तो 4.3, और 1.1 जैसा आपको अच्छा लगे, जो साइज़ में आप फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप फोटो साइज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इस पर आप क्लिक करके। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर टाइमर आपको दिखता होगा, यहाँ पर 3 सेकंड और 10 सेकंड आपको टाइमर मिलेगा। आप 3 सेकंड करेंगे तो फोटोज़ क्लिक करते वक्त इस तरह से 3 सेकंड का टाइम आएगा, 3 सेकंड के बाद में फोटोज़ क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको कभी यूज़ करना आपको बताता हूँ, आप 10 सेकंड कर लेना। अब मान लो कि 10 लोग हैं ग्रुप में, फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं पूरे 10 लोग का, और एक बंदे के हाथ में तो फ़ोन रहेगा, 9 लोग ही आएंगे ग्रुप में, तो क्या होता है आप 10 सेकंड का टाइम कर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ट्राईपोड में या कहीं भी कहीं स्मार्टफोन को रखना, उसके बाद इस तरह से क्लिक करके वो भी बंदा जाकर खड़े हो सकता है 10 सेकंड में ग्रुप में। उसके बाद 10 सेकंड में ऑटोमेटिक ये फोटो इस तरह से क्लिक हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पर क्लिक हो रहा है 10 सेकंड के बाद में, आप देख सकते हैं उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस टाइमर की मदद से आप ग्रुप के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो मोड में। वीडियो मोड में आएंगे तो कम से कम आप कर सकते हैं यहाँ पर 10x जूम कर सकते हैं। 10x जूम करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फिल्टर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वीडियो मोड में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर फिल्टर कैसा आना चाहिए, आपको वीडियो मोड के कुछ ज़्यादा फिल्टर्स मिलते हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है फिल्टर सेलेक्ट करके यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा फ्लैश लाइट का आइकॉन, इस पर हम क्लिक करके यहाँ से फिल लाइट कर सकते हैं। आप फिल लाइट करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, उसको यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगी, जैसा आपको अच्छे लगे उस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर फोटो मोड में। यहाँ पर फोटो मोड में आएंगे तो कुछ ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं फोटोस मोड में। तो चलिए यहाँ पर मेन तो फोटो है ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पर फ्लैश लाइट का, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त यहाँ पर ऑन हो जाता है ये फ्लैश लाइट, और यहाँ पर इसको ऑटो करेंगे तो जैसे कैमरा को अंधेरा दिखता है तभी फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। अब उजाले में फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगा, फोटो क्लिक करते वक्त जैसे अंधेरा होता है तभी ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। आप ऑटो करेंगे तो अब फिल लाइट करेंगे तो फोटो क्लिक होने से पहले ही ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। कैमरा ऐप ओपन करने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको ऑन ऑन कर सकते हैं या तो ऑटो कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर आप कम से कम कर सकते हैं फोटो मोड में, आप 10x जूम करके यहाँ पर आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं फोटो मोड में। उसके अलावा यहाँ पर HDR यहाँ पर दिखता होगा, इसको ऑन कर सकते हैं बेहतरीन शॉट्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एक दिखता होगा, आप इसको ऑन करेंगे क्रोमा बूस्ट इज ऑन, इसको ऑन कर लेना बेहतरीन शॉट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आपको मिलते हैं। कैमरा के फिल्टर आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर इस सेटिंग में आने के बाद में, और इसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये फीचर इसमें नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों ये तो रहे फिल्टर्स, यहाँ पर आप फेस की ब्यूटी को भी कर सकते हैं। AI ब्यूटी आपको यहाँ पर मिल जाता है 0 से लेकर 100 तक, आप इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। AI ब्यूटी का होता है मतलब आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो यहाँ पर आप सामने खड़े होना, यहाँ पर इसको जितना हो उतना ज़्यादा कर लेना, आपके फेस पर पिंपल्स है ना वो चले जाएंगे, क्लीन दिखेंगे, ब्यूटी दिखेगा आपका फेस। तो उसके बाद यहाँ पर इस पर हम क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन कैमरा हम कर लेना, कैमरा ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट भी मिलेगा आपको, जहाँ पर पेपर पर हिंदी में आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हो तो यहाँ पर उसको फोटो क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर वगैरह वगैरह यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा पर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर
पोर्ट्रेट मोड में आते हैं। नेक्स्ट रहा पोर्ट्रेट मोड। ये पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, जो बैकग्राउंड ब्लर होकर फोटोज क्लिक होना चाहिए ऐसे फोटोज आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में। बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा आप उतना ही देखेंगे अच्छे से, उस तरह से आ जाएगा। और पोर्ट्रेट मोड में आप आ सकते हैं ऐसे फोटोज आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड की कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब जो पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है वो ज़्यादा ब्लर होना चाहिए तो इसको ज़्यादा कर लेना, कम ब्लर होना चाहिए तो इसको कम कर लेना। यहाँ पर नॉर्मल तो 60 होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में। जो पोर्ट्रेट मोड में आप फोटोज क्लिक कर रहे हैं उसका फिल्टर कैसा आना चाहिए, मतलब जो आप सामने खड़े हो ना, सामने खड़े होकर देखना कौन सा फिल्टर आपको अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आप सेलेक्ट करके वहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आते हैं यहाँ पर हम बैक आकर यहाँ पर मोड में, हम जब आएंगे मोड में आने के बाद यहाँ पर स्लो मोशन का आप स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर फीचर मिल रहा है एक्स्ट्रा इसी कैमरा ऐप में, रियलमी सी 25S में। यहाँ पर फ्लैशलाइट ऑन करके यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसमें तो जूम तो नहीं कर सकते दोस्तों, आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त यहाँ पर कर लेना। इस तरह स्लो मोशन कर लेंगे तो बस हो जाएगा स्लो मोशन में, इतना कर लिया हूँ 2 सेकंड का, तो ये 2 सेकंड का जाकर अभी ये इतना यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से स्लो मोशन आप कर सकते हैं। बस मैं कंकर का वीडियो किया, जैसे आप करना चाहे तो उस तरह से आप स्लो मोशन कर सकते हैं। यहाँ पर मोर में आएंगे तो टाइम लैप्स का भी आपको यहाँ पर फीचर मिलता है। यहाँ पर आप 10x जूम करके यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं टाइम लैप्स में। उसके अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रो का आपको एक फीचर मिलता है, यहाँ पर जैसे DSLR कैमरा होता है ना उसी तरह आपको यहाँ पर ISO वगैरह पर फीचर्स मिलते हैं। DSLR में जैसे मिलते हैं वैसे फीचर मिलते हैं, 10x तक जूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रो में वैसे फीचर आपको जो मिल रहे हैं DSLR में जैसे मिलते हैं, यहाँ पर आप सेटिंग करके आप बहुत ही बेहतरीन फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पैनो मोड का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डबल फोटोज क्लिक करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये। और उसके यहाँ पर मोड में हम आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा माइक्रो है, यहाँ पर अल्ट्रा माइक्रो में भी आप यहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी में। और अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो अल्ट्रा माइक्रो में आना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फोटो मोड में हम आकर जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग आइकन दिख रहा है ना, सेटिंग में हम जाएंगे। यहाँ पर वॉल्यूम बटन दिख रहा है, आप यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वॉल्यूम है, शूटर है, जूम है। आप कैमरा ऐप ओपन करने के बाद वो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, शूटर मतलब फोटोज क्लिक होना चाहिए या जूम होना चाहिए वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं इस फिंगरप्रिंट शूटिंग है। उसके बाद आप फिंगरप्रिंट आइकन पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे, मतलब इस तरह से उंगली रखेंगे फिंगरप्रिंट आइकन से तो फोटो क्लिक होना चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों आप देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वाटर मार्क आपको दिखता होगा, फोन मॉडल आप इसको ऑन करेंगे तो कौन से फ़ोन में आप फोटो क्लिक किया है वो फ़ोन का मॉडल नंबर बता देगा फोटो के कॉर्नर में। यहाँ पर डेट एंड टाइम इसको आप इसको भी ऑन कर सकते हैं, इसको ऑन करेंगे तो किस वक्त आपने फोटो क्लिक की है वो डेट एंड टाइम बता देगा, तारीख और टाइम भी बता देगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे बीच में एक बार तो वीडियो में आना चाहिए, वाटरमार्क या फोटोज में आना चाहिए, इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आएंगे, आने के बाद फ्लिप सेल्फी ये ऑफ ऑन है तो इसको ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि आप इस एंगल से फोटो लेंगे तो इस एंगल से बता देगा वो फ्लिप होकर, उसलिए आपको इसको ऑफ ही रहने देना है, बाकी कुछ इतना ही रहने देना है। आप आते हैं दोस्तों बैक शूटिंग मेथड से, आप इस पर क्लिक करके टच टू टेक फोटो आप इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप कहीं भी टच करेंगे तो पहले क्या होगा, फोकस होगा पहले, उसके बाद फोटो क्लिक हो जाएगा। इस तरह से इसको टच करके यहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और AI सेंस इसको भी ऑन रहने देना है, बाकी का यहाँ पर एक वीडियो की क्वालिटी आपको यहाँ पर कम ज़्यादा करने वाला फीचर मिलता है, यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस इतने फीचर है। अगर आपने कुछ गलत सेटिंग किया उसके बाद यहाँ पर रिस्टोर टू डिफॉल्ट हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है, जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद जैसी सेटिंग थी वैसी हो जाएगी, पूरी सेटिंग पहले जैसी हो जाएगी। इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। वैसे आपने देख लिया Realme C25s स्मार्टफोन के कैमरा के कुछ सेटिंग्स। अगर आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर जाकर देख लेना उस वीडियो को, क्योंकि उसमें तो मैंने 60 से ज़्यादा फीचर्स बताए हैं इसी स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा वीडियो, नीचे लिंक भी मिल रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है जिस वीडियो में मैंने इसी स्मार्टफोन के 60 से ज़्यादा फीचर्स बताए हैं, ये रहा वो वीडियो।